जय हिंद जय भारत, में रेबल सदानंद पति। दोस्तों, आपने शख्स को देखा होगा, खुद को नवाब सतपाल तंवर बताने वाला ये व्यक्ति कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। राजस्थान बदलने आया हूँ, राजस्थान में अशोक गहलोत की खाल उतारने आया हूँ और राजस्थान में अशोक गहलोत की खाल उतार कर उसको जूता बनाऊंगा और प्रियंका गांधी के सर में मारूंगा। आप जय भीम के नारा लगाते हैं, तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको ये संस्कार दिए? उन्होंने आपको शिक्षित और साक्षर बनने का ज्ञान दिया होगा, ना कि अभद्र आचरण करने के लिए। भीमराव अंबेडकर साहब का नाम बदनाम मत कीजिए, विभिन्न जगहों में वीडियो में व्यूज लाने के लिए, खुद को नेता स्थापित करने के लिए ये ना जाने किन किन अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा, मैं भी जातिवाद का विरोधी हूँ, लेकिन मैं हर उस व्यक्ति का विरोध करता हूँ जो अपशब्द यूज करते हैं। आप कहते हैं कि आप गहलोत जी के खाल का जूता बना के प्रियंका गांधी को मारेंगे, हैं? और आप स्त्री का सम्मान करते हैं? आपकी माँ स्त्री नहीं है क्या? क्या आपकी बहन स्त्री नहीं है? कोट पहनना बुरी बात नहीं है, घोड़ी पे चढ़ना बुरी बात नहीं है, ये सभी का अधिकार है, समान अधिकार है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आड़ में ना अपनी नेतागिरी मत चमकाओ, तुम उनके पैर की धूल भी नहीं हो और ना तुमने इनके ज्ञान को समझा। असल में ना तुम शिक्षित हो पाए और ना ही तुम साक्षर हो पाए तरीके से। वाकई में अंबेडकरवादी हो ना, पढ़ो और पढ़ाओ और शिक्षित करो।